young dreamer, Ankit Rachh. When I walk on by, girls be looking like damn, he fly. I pimp to the beat, walking down the street and my new the freak, yeah. This is how I roll, animal print pants out control. It's Red Bull with the big ass bra, and like Bruce Lee, I got the clout, yeah. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I work out. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I work out. When I walk in the spot, yeah, this is what I see. Everybody stops and is staring at me. I got passion in my pants and I ain't afraid to show it. Show it, show it, show it. I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. Yeah, when I'm at the mall, security just can't fight them all. And when I'm at the beach, I'm in the speedo trying to tan my cheeks. This is how I roll. Come on, ladies, it's time to go. We headed to the bar, baby, don't be nervous. No shoes, no shirt, and I still get service. Watch. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I work out. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I work out when I walk. Thank you so much. Thank you so much. Have a seat. Have a seat. Have a seat. Please. Thank you so much. Have a seat. Have a seat. Thank you. So, good morning, Bangkok. Before I start saying something, So before I start saying something, let me tell you, thank you all of you, love you all, thank you. Have a seat. Time come, bhai. Have a seat. Thank you. So before I start saying something, पिछले तीन दिन से I'm observing one thing. चला जाओ. Hello. Thank you. Relax. बहुत कुछ बाकी अभी. बैठो. So before I start saying something, let me tell you that So, तीन दिन से देख रहा हूं एज अ इन सर्विस ऑल्सो पहली बार इतना एक्साइटेड क्राउड देखा है. इतनी इवेंट देखी मैंने, ऐसा क्राउड नहीं देखा. यू गाइज आर अनबिलीवेबल, लिटरली गाइज, इट्स अ वंडरफुल फीलिंग कमिंग हियर. So basically, I am from Ahmedabad, Gujarat. कितने लोग गुजरात से हैं? गुजराती. कितना गुजराती से? मित्रों, have a seat. ये ना हिस्ट्री में पहली बार हुआ है. पूरी हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ कि नवरात्रि के टाइम पे गुजरात में गरबे के पास की बात नहीं चल रही थी, फ्रीडम के पास की बात चल रही थी. यू गाइज आर क्रेजी. आई लव गुजराती पीपल. बीइंग गुजराती, आई नो देव अ सिंपल फंडा, प्लान दिखाड़वानो, जूस पीवानो, मत जानी लाइफ.
So my name is Ankit Rachh. So many of you might not be knowing me. So मैंने business चालू किया 5 साल पहले. And आप में से बहुत लोग को एटलीस्ट ये तो आइडिया आ गया होगा 3 दिन में ये सुन के कि नौकरी ना करवी जोइए, ना करवी जोइए. करेक्ट और नॉट? अभी भी कोई ऐसा है जिसका कॉर्न पॉप नहीं हुआ है? कॉर्न पॉप नहीं हुआ है, पॉपकॉर्न नहीं बना है अभी तक, ऐसा कोई है? फूटा नहीं है? अभी भी लगता है नौकरी तो करनी चाहिए, ये तो भले बोलते. तो उनके लिए एक जोक है, कैन आई? सो एक बंदा मंडे मॉर्निंग, या मंडे मॉर्निंग रेडी होके लैपटॉप टिफिन पसीना शर्ट पूरा गीला और ऑफिस भाग रहा था और हैंड्स भी लगाया था और गाना बज रहा था अपना टाइम आएगा. जोक फिनिश. बाबा जॉब जा रहे हो और बजा रहे हो अपना टाइम आएगा. सी द इक्वेशन. सो बेसिकली मैंने बिजनेस चालू किया 21 की अराउंड एज में, जब मोस्टली लोग पढ़ के बाहर आते हैं, टाइम पास, फ्लर्टिंग, गर्लफ्रेंड, शाम को कैफे, इधर उधर की बातें. एंड मेरे भी सपने बहुत थे, कमिंग फ्रॉम अ वेरी मिडिल क्लास बैकग्राउंड. इनफैक्ट लेट मी शेयर दैट मेरे पास पढ़ने के पैसे भी नहीं थे. सो आई कम फ्रॉम दैट बैकग्राउंड कि जब आई वॉज अ बाय मिस्टेक सी ए. The main word is by mistake. Why by mistake? I love that profession. I respect that. But मुझे वो समझ में नहीं आया कि कब तक दूसरों की शीट बैलेंस करते रहने की. बैलेंस शीट. Why to balance someone's sheet? So मुझे वो समझ में पहले से नहीं आया. Somehow मैंने CA क्लियर किया and जब नौकरी देखने गया. मैंने नौकरी की है, बहुत कम लोग को पता है ये. मैंने नौकरी की है, द ड्यूरेशन वॉज लाइक 6 आवर्स. तो मैं 4 बजे शाम को बताए बिना बस वो एक ही जगह मैंने क्विट किया, बाकी कहीं क्विट नहीं किया. तो मैं निकल गया वहां से 4 बजे और बहुत जल्दी समझ में आ गया था. अभी एक बंदे की मैंने मीटिंग की, वो वही ऑफिस में था. उसने सबको मेरे को आइडेंटिफाई कर रहा था कि क्या बंदा है, हमको जो 5 साल में समझ में आया उसको एक दिन में आधे दिन में समझ में आ गया. सो बेसिकली आई वॉज लुकिंग फॉर समथिंग एल्स इन माई लाइफ. मतलब ऐसा कुछ तो चाहिए था कि घर को ऊपर ला सकूं. अरे विथ मी, समझ रहे हो? बेसिक बात कर रहा हूं, घर को ऊपर ला सकूं. ज्यादा कुछ ड्रीम बड़े, ये जो जैगवार वगैरह बोल रहे थे ना, करेक्ट, तब ना दिमाग में ये आता भी नहीं है. सोचते पाप लगता है, मैं और जगुआर, आर यू विथ मी ऑर नॉट? समझ रहे हो मैं क्या लेवल की बात कर रहा हूं? वो तब ना ऐसा आता ही नहीं था दिमाग में कि जगुआर और जगुआर हार्ली डेविडसन. करेक्ट, पहले इतना ही ड्रीम था कि जहां फंसा हूं ना उसमें से बाहर आना है. एक बार उसमें से बाहर आ गया फिर तो खुला मैदान है. करेक्ट और नॉट? सो हम लोग नहीं स्कूल में वो प्रार्थना होती है सुबह सुबह, डेली करते हैं, सबने की होगी. इतनी शक्ति हमें दे नदा तो. वो मैंने चेंज कर दी. सो दैट्स हाउ जॉब छोड़ दिया, कुछ ढूंढ रहा था. इतना समझ में आ गया था कि पूरी लाइफ में सिर्फ 2000 दिन नहीं जीने. यू नो 2000 दिन संडे. 40 साल में इंटू 52 सिर्फ 2000 दिन की लाइफ. इतना समझ में आता है गणित, सिंपल मैथमेटिक्स, सिर्फ 2000 दिन की लाइफ. हेलो, हाउ इट्स लाइक, कैसे अच्छा लगता है? गो टू ऑफिस, गो टू ऑफिस. इवन इफ आई कैन टेल यू, यहां पे आपको अच्छा लग रहा होगा, गो टू होटल कम बैक वेन्यू, गो टू होटल कम बैक वेन्यू, गो टू होटल कम बैक वेन्यू. आई नो यू लव इट. इससे सामने से आ जाते हो पहले सुबह सुबह, करेक्ट और नॉट? हम नहीं बुलाते, इन सर्विस के पहले आ जाते हो आप लोग, बिकॉज यू लव इट. करेक्ट और नॉट? सो बॉस आई वॉज वेरी क्लियर कि ये एज में, जब मैं मीटिंग में आया ना और जब सिस्टम में भी आया,
लोगों को देखा मैंने सब बोल रहे थे ही हैज अ रिच एक्सपीरियंस ऑफ 9 years, 10 years, 12 years. मैं समझ गया कि अगर उनको तब जाके समझ में आ रहा है तो क्यों बीइंग अ यंग मैं भी तभी समझूं. आर यू विथ मी? क्यों 5-10 साल ऐसे ही वेस्ट कर दूं? कितने लोग यहां पे ऐसे हैं जो 22-23 से 32 के बीच में है? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? क्यों बूढ़ा होकर नेटवर्क मार्केटिंग करना, फिर रिटायरमेंट का प्लानिंग करना, 35-40 साल के बाद में बिजनेस चालू करना, जब 2 F2 कर लिया हो घर पे, उनको भी संभालना पड़ेगा. इट्स नॉट लॉजिकल, करेक्ट और नॉट? एंड दिस इज द परफेक्ट एज टू अर्न सम मनी, सम क्लासी मनी. आर यू विथ मी? सो इफ यू डोंट माइंड कैन आई टॉक ऑन मनी? किसी को बांधा नहीं है पैसे की बात कभी करेगा तो. हाँ, हेलो. सो बेसिकली दैट्स हाउ जॉब, नो मोर ऑप्शन इन माई माइंड. नाउ हैव यू रिमेंबर कल कोच ने बताया था, एवीपी शरफुन ने, ऊपर वाला वो हम सबको लगता है कि ये बिजनेस हमारी लाइफ में आया वो मास्टर प्लान है. करेक्ट और नॉट? ऑल ऑफ यू करेक्ट? मास्टर प्लान से आया है. एक बात बोलूं, वो मास्टर प्लान में भी आपका थोड़ा सेटिंग होता है, मतलब आपके हिसाब से भी थोड़ा काम करता है वो. एग्जाम्पल देता हूं, लेट्स से यू नो कोई मिल गया देखा था, तो वो जादू ऐसे ही आ गया था या ऋतिक रोशन ने बुलाया था? भले अनकॉन्शियसली बुलाया था, ओम 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 ओम, बट उसने बुलाया तभी आया था ना. वैसे कहीं ना कहीं हम सब लोग कॉन्शियसली नहीं, अनकॉन्शियसली अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढ रहे थे, तभी हमको मिला है. उसका प्लानिंग है, नो डाउट ऑन दैट. इट्स अ मास्टर प्लान, नो डाउट ऑन दैट. बट यू नो वॉट, यू आर ऑल्सो को ऑथर ऑफ योर लाइफ. वो आपने कहीं ना कहीं अनकॉन्शियसली सीड भेजा था, अभी वो जादू आ गया, आइला जादू आ गया, फिर उसको निभाया ऋतिक रोशन ने. करेक्ट और नॉट? उसकी लाइफ भी चेंज हो गई, जादू को भी मेमोरीज मिल गई. आर यू विथ मी? आपने नेटवर्क मार्केटिंग नहीं माना था, बचपन से मांगते नेटवर्क मार्केटिंग करना है, थे कोई ऐसा? कोई नहीं था, बट आप अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढ रहे थे. करेक्ट और नॉट? दैट्स व्हाई आई बिलीव दैट वी आर अ को ऑथर ऑफ आवर लाइफ, तभी अपने को यह मिला है. हम कई सीड भेज रहे थे, या सो दैट्स हाउ बिजनेस मेरी लाइफ में आया. बहुत कुछ सोचा नहीं, मैं भी हॉट ग्रुप, या थोड़ा ज्यादा हॉट ग्रुप. सो ऑप्शन नहीं होता है हॉट ग्रुप में. हाँ, सो वन ऑफ माई वेरी गुड फ्रेंड, लाइक अ ब्रदर ओनली, प्रसन्न, प्लीज क्लैप फॉर हिम, लव यू ब्रो. सो प्रसन्न ने मुझे पकड़ा, हाथ रखा कोल्डर पे और बोला भाई करवानू छे भाई, और आज मैं यहां पे हूं. कहना क्या चाहता हूं, अगर आपको भी किसी के शोल्डर पे हाथ रखना पड़े तो रख दे दिखा. करेक्ट और नॉट? सो दैट्स हाउ चालू किया बिजनेस. नाउ सी, बहुत लोग ऐसे हैं जो चालू करने के बाद, लाइक मी ऑल्सो, 6-7 महीना वो इग्निशन में जाता है, यू नो इग्निशन पीरियड, सब जज करते हैं. पूरा जज करता था मैं इज्जत से. अच्छा सिस्टम में जाए ना, पहले तो सिस्टम में जाते ही नहीं थे. संडे मॉर्निंग कौन रखता है सिस्टम यार, एक ही दिन मिलता था. हाँ, तो संडे मॉर्निंग सिस्टम जाना, और जब सिस्टम में जाओ, या द फर्स्ट टाइम आई वेंट टू सिस्टम, पहली बार गया ना, इतना ही देखा सब डांस कर रहे हैं. मुझे लगा शायद ये सब ने कमा लिया होगा इसलिए डांस कर रहे हैं, पहली बार तो ऐसा लगता है ना. फिर वो स्पीकर को भी ऐसे बुलाते हैं लोग, मतलब कोई दुनिया का सबसे बड़ा हीरो ना हो ऐसे बुलाते हैं स्पीकर को. मैंने क्या चल रहा है ये सब, और स्पीकर आके बोलता क्या है, आई एम नॉट द स्पीकर ऑफ द डे. आई वाज लाइक भाई क्या चल रहा है, क्या पागल लोग हैं ये लोग. आर यू विथ मी? बट तब जब सिस्टम चालू हुआ, वो 1.5-2 घंटे में जो भी शेयर किया गया, मैंने सिर्फ इतना ही सोचा कि आज तक मेरी पूरी लाइफ में मेरे बाप ने भी मुझे ये समझाया नहीं है.
मेरे आजूबाजू वाले ने, मेरी फैमिली वालों ने, मेरे शुभ चिंतकों ने, मेरे क्लासेस के सरों ने, किसी ने मुझे समझाया नहीं। तो ये जो बात कर रहे, बात में तो दम था और फायदा मेरा था। सो थोड़ा क्लिक हुआ उधर कि बात तो सही है। आर यू विथ मी? बेसिक स्टार्टिंग SOP, बुक्स पढ़ना, वो धीरे धीरे कभी पुश कर रहे थे, कभी खुद का ओनरशिप आ रहा था, पर वो धीरे धीरे इंटरेस्ट पढ़ने लगा। उसमें 4-5 महीने लग गए जो नहीं लगने चाहिए थे, पर वो हो गया। और वो होते होते 4-5 महीने के बाद मैं बहुत कुछ ऑब्जर्व करता हूँ, मतलब नॉट ऑन द स्टेज जो बोले जा रहा है, एवरीथिंग बिहेवियर और बहुत कुछ। मैं जब भी ना एक बात बोलता हूँ, आप ट्राई करना। लेट्स से फॉर एग्जांपल हम खाना खाते हैं, या सो बाहर का खाना अच्छा लगता है, मतलब प्यार दिखता है खाने में बाहर में, या घर के खाने में प्यार दिखता है? सच बताओ ऑल ऑफ यू। नहीं, टेस्टी तो बाहर का होता है, पर प्यार किस में होता है? घर के भी नहीं, माँ के हाथ से खाने में होता है, करेक्ट और नॉट? बाजू वाले ने बनाया ना, वो भी घर का ही है, उसमें प्यार नहीं होगा, टेस्टी होगा। अब प्यार कुछ लोगों का कुछ हो तो, बट जनरली नहीं होता है। या सो सिर्फ माँ के हाथ के खाने में वो टेस्ट मिलता है, प्यार मिलता है। अभी मैं भी ये भी ऑब्जर्व कर रहा था, पता नहीं क्यों ऐसा हुआ कि जब भी मैं अपलाइन के घर में पूरा दिन मीटिंग प्लान वीसेल इन सब ये सब किया, और रात को एक आदत हो जाती है अपलाइन के घर में जाने का और बैठने का, हाँ बहुत सारी नॉलेज वैल्यूज सब कुछ, और समहाउ जब भी कुछ भूख लगे ना तो अपलाइन खाना कुछ बना के देते थे। बहुत लोग लकी हो अगर आपको अपलाइन खाना बना के, खाना कुछ भी पड़ा हो, नो वॉट एवरी टाइम, आज भी जब भी उनके घर पे जाता हूँ ना, खाना खाता हूँ ना, मैंने किसी को शेयर नहीं किया, मुझे सेम वो मम्मा वाला लव दिखता है उस खाने में, सेम टू सेम। उनको टेस्टी बनाना नहीं आता है, पर वो लव होता है उसमें। सो ये सब मैं ऑब्जर्व करता था। सी बेसिकली धंधा चालू कर दिया था इन टर्म्स ऑफ साइन अप किया था बिजनेस के लिए, बिजनेस में साइन अप हो गया था, बस सक्सेस के डिसीजन में साइन अप नहीं हुआ था अभी तक। दोनों डिफरेंट होता है, समझो पकड़ो। धंधा चालू कर दिया था, ट्रांजेक्शन हो गया था, पर वो सक्सेस इसमें से ही होना है, वो डिसीजन अभी तक बाकी था। आर यू विथ मी? बहुत तो कैसा समझ में आ रहा होगा क्या बोल रहा हूं। एक ऐसा फेज होता है जब हमको लगता है सच में कि यार ये सब सही है, लोग अच्छे हैं, बिजनेस भी सही है, लोगों का पैसा ही बन रहा है, पर हम पूरा देते नहीं है, पूरा ये पता होता है फिर भी नहीं देते, ऐसे एक टाइम आता है। आर यू विथ मी? वो टाइम था मेरा। पर मैं जो भी ऑब्जर्व कर रहा था, जो मेरे साथ हो रहा था, लेट्स से सिंपल चीज, जब मैं पहली बार वीकॉन गया, आई थिंक मई 15, या फर्स्ट वीकॉन, आवर विजनरी फाउंडर, या नन अदर देन दातो श्री विजय ईश्वरन, यू कैन डू इज बेटर गाइज, वी ऑल आर हियर बिकॉज ऑफ हिम। तो दातो स्टेज पे आए और मैंने पहली बार दातो को बैठा, यहाँ पे कहीं कोने में ऊपर बैठा था, आधे लोग सो रहे थे, आधे लोग जग रहे थे, मैं वहां पे देखा, करेक्ट? एंड आई वॉज लाइक, मैन क्या बोल रहे ये? ही वॉज सेइंग आफ्टर 18 ईयर इन द बिजनेस, धंधे को 18 साल हो गए और वो स्टेज पे आके क्या बोलते हैं, वी हैव नॉट इवन स्टार्टेड। मैं खुजाने लगा, मतलब यू सी अदर फाउंडर्स अदर कंपनीज, थोड़ा पैसा कमा लो ईगो आ जाता है, आई एम समथिंग, करेक्ट और नॉट? आवर फाउंडर वॉज सेइंग वी आर इन बेबी स्टेप्स, अभी हमने चालू भी नहीं किया है। मेरा डिसीजन तभी आ गया था, अगर इनका इतना आगे का प्लानिंग है। सिर्फ एक बात बोलता हूं, हम ट्रेन देखते हैं या इंजिन देखते हैं? हेलो, इंजिन कितना पावरफुल है यही देखते हैं या नहीं देखते? कोई ट्रेन की स्पीड किस पर डिपेंड होती है? मैंने इंजिन देखा उस दिन, क्या इंजिन है यार, जो हम सबको खींच रहा है, कितना स्पिरिचुअली अलाइन्ड इंजिन है। आर यू विथ मी? बेसिक बात कर रहा हूं, समझ में आ रहा है? बॉस आई वॉज शॉर्ट सर्किट, अंदर पूरा फर्नीचर हिल रहा था उस दिन, कि अगर ऐसे लोगों के विजन में काम भी करना पड़े ना फॉलो करके, तो ये वांधा नहीं था।
एंड दैट टाइम आई डिसाइडेड कि अभी यही मेरा सक्सेस का भी डिसीजन है, साइन अप का नहीं. आर यू विथ मी? वो डिसीजन तब ले लिया. नाउ सी बिजनेस बहुत लोग चालू करते हैं एंड बिजनेस चालू करने के बाद अच्छा ये जो दिख रहा है ना, जब मैंने पहली बार ये देखा ना, हाउ इज द स्क्रीन, अच्छी है, मस्त है. जब मैंने पहली बार देखा ना तो मुझे क्या दिखा पता है, मुझे सच में ऐसा लगा, पता नहीं क्यों. आपको लगता है ये स्पेसशिप है, करेक्ट? फ्रीडम का लोगो है, स्पेसशिप. या मुझे क्या लगा पता है, ये टीसी है, ये लेफ्ट और ये राइट है. ऐसा लगता है नहीं लगता, देखो. या मुझे ऐसा क्यों लगा पता है, क्योंकि ये मेरा धंधा है. मुझे हर जगह वही दिखता है क्योंकि ये मेरा खत्म. मुझे हर जगह वही दिखता है. सो मैं आज यहां पे आया हूं नेक्स्ट 30-40 मिनट के लिए. कल क्या हम बात कर सकते हैं? हेलो, क्या हम बात कर सकते हैं? थोड़ा बहुत कुछ भी आपको जो भी शेयर करके जाऊं, बट आई वॉन्ट कि एटलीस्ट जो 10-15 अंकित यहां पे बैठे हैं उसको टच कर जाऊं. तो बात कर सकते हैं? या हेलो, सच्ची वाला पक्का डन? कोई ईगो पे नहीं लेगा? सो बेसिकली आप लोग सब बिजनेस में हो. आप लोग सब, लेट्स से यू हैव ड्रिंक पीते हो ना रेगुलरली, कहां से हो? दिल्ली? तो फिर क्या है यार. सो लेट्स से व्हाट्स योर फेवरेट ब्रांड? अभी अभी चालू किया है. सब ट्राई करोगे अभी तो. एनीवेज आई डोंट ड्रिंक, बट आई लेट्स से जनरली जेडी इज द फेवरेट ब्रांड. जेडी, हाँ, द प्रीमियम स्कॉच विस्की. या मुंह में पानी मत. सो जेडी, या लेट्स से व्हाट्स अ गुड नेम? रघु. या सो रघु, कैन आई यूज योर नेम? या लेट्स से रघु लव्स द जेडी. रघु लव्स द जेडी. नाउ जेडी प्रीमियम स्कॉच विस्की, उसके लिए वो पागल है. उसकी स्मेल से लेके उसका एक एक, या उसको बहुत प्यार है जेडी से. नाउ इमेजिन रघु, आपके घर के अंदर एक बड़ा सा बाथ टब है और पूरा बाथ टब किससे भरा है? जेडी. लुक हाउ ही स्माइलिंग यार. हाँ, आप जेडी के बाथ टब में बैठे हो और यहां तक भरा है. कहां तक? यहां तक. आपको स्मेल आ रही है, समझ में आ रहा है भाई? जेडी के बाथ टब में बैठे हैं, यहां तक भरा है, उसको स्मेल भी आ रही है. पर एक क्वेश्चन पूछूं भाई, किक मिलेगी उससे? हाई हो गए आप, पता है क्यों? क्योंकि आप जेडी में हो, जेडी आप में नहीं है. ऐसे कितने लोग हैं जो धंधे में तो है, यहां तक है, पर धंधा अंदर नहीं है. धंधा अंदर होने का मतलब ही ये होता है कि मैं धंधे वाला हूं, मैं ओनर हूं उसका. लेट मी टेल यू वन सिंपल लाइन, ये धंधे में आगे वही बढ़ेगा जो अपलाइन होगा, जो डाउनलाइन होगा, जो ओनर होगा. अगर आप सोच रहे हो मैं डाउनलाइन हूं, आप सोच रहे हो मैं अपलाइन हूं, बहुत डाउनलाइन और अपलाइन होते हैं. फर्स्ट थिंग आई वांट टू टेल यू इज दैट ये धंधे में आगे वही बढ़ेगा जो. आर यू विथ मी? समझ में आ रहा है बेसिक चीज? या तो आप में से कितने लोग अपने धंधे के ओनर हो, प्राउडली ओनर हो, मतलब चलते हो तो यहां पर लेके चलते हो. The secret of this business to become rich, successful, is only one thing. सब लोग धंधे में है, पर धंधा जिसके अंदर है ना, वो बंदा ओनर है. छोटी छोटी चीजों से ओनरशिप चालू की मैंने करनी. हाँ, वो डिसीजन आ गया था कभी यही करना है, पर जब डिसीजन आता है फिर धंधा अंदर आने लगता है. या
तो छोटी छोटी चीज है. लेट्स से अब सब लोग सिस्टम जाते हो पीडीटी या संडे सिस्टम पीडीटी ना, उसके लिए मुझे किसी को मैसेज करना पड़े कि कल तेरा वेन्यू यहां पे है, ये तेरी सिस्टम का टाइम है, और सुबह फोन भी करना पड़े और पिक करना पड़े, तो मैं ओनर हूं या लेबर हूं? मजे करो. वो पहला करेक्शन है. संडे सिस्टम. आई एम नॉट मॉर्निंग पर्सन. जो लोग मुझे जानते हैं, सच में जानते हैं ना, उसको पता है मैं मॉर्निंग वाला बंदा नहीं हूं. मैं थोड़ा आराम से उठने वाला बंदा हूं. बस संडे सिस्टम में पहुंचना है, क्योंकि अपलाइन ने बोला था अंकित पहले 3 साल वो सूरज, वो होता है ना सूरज, या वो बल्ब होता है ना, उसको निकाल दे 3 साल के लिए. दिन हो या रात हो, कुछ भी हो, तू कहां पे भी हो, 3 ईयर्स कंसिस्टेंटली नॉन नेगोशिएबल सिस्टम अटेंड करना है. तो मैं कहां था? सिस्टम में, पीडीटी में. आर यू विथ मी? मेरे गुड टाइम में, मेरे बैड टाइम में, मेरे सुपर बैड टाइम में, मेरे सुपर गुड टाइम में मैं टिका रहा, बिकॉज मैं कहां पे था ना, उसकी ओनरशिप खुद की आ गई थी. और धीरे धीरे डाउनलाइन की भी आने लगी थी. अर्लियर आई हैड अ सेंट्रो. ऐसी भी गाड़ी होती है. सो एक छोटी गाड़ी थी मेरे पास, सेंट्रो, या और वो गाड़ी किडनेपिंग वान जैसी थी, या जो हर संडे निकलती थी. एंड आई यूज टू गो और सबको पिक करूं, भाई सिस्टम है, तू आ जा, तू आ जा. और वहां से वेन्यू तक जाऊं, 3 को उतारूं, 3-4 लोगों को उतारा, उसको बोलता मैं पार्क करके आता हूं, फिर से निकलने का. वो अंदर गए यार, लोगों को क्रिकेट के ग्राउंड से भी पकड़ा. तो संडे क्या होता है? क्रिकेट होता है. या तेरी बैटिंग हो गई ना, बॉलिंग नहीं करनी, तू चल अभी आ जा. ऐसे भी लिया. और वो बंदा आके क्या बोलता है? यार आज ना, आज सिस्टम मेरे लिए ही थी. छोटी छोटी चीज है. सी, मुझे ना, मेरे अपलाइन, आई एम अ ब्लेस विद द बेस्ट अपलाइन, नन अदर देन वीसी नरेंद्र कृपलानी. वो बोलते हैं ना, लोगों के पास कुछ ब्रांड्स होती है, या जैगवार इज अ ब्रांड, दिस रॉल रेक्स एंड ऑल दिस थिंग्स इज ब्रांड. My upline is a brand for me. The best brand I have is my upline. So, उन्होंने बताया मुझे यही चीज कि अंकित, ये बिजनेस में कुछ बड़ा नहीं करना है. कुछ बड़ा, कुछ बड़ा नहीं करना है. मैं तो खुश हो गया, क्योंकि और कोई बिजनेस हो तो क्या क्या करना पड़ता है, टेंडर साइन करो, साइन लो, बड़ी बड़ी चीजें करनी पड़ती है भाई. यहां पर समझ में आया, अपलाइन ने बोला ये बिजनेस में कुछ बड़ा नहीं करना है, छोटी छोटी चीजें रोज करनी है, बड़ा अपने आप हो जाएगा. छोटी छोटी चीजें रोज करनी है, बड़ा अपने आप हो जाएगा. तो मैं समझ गया सिस्टम. लेट्स से पीओए ना, ये पीओए में आने का ओनरशिप किसका होना चाहिए? किसका होना चाहिए? क्यों पता है? क्यों पता है? क्योंकि धंधा मेरा है. किसका है? धंधा. तो पीडीटी में, सिस्टम में, पीओए में आने का ओनरशिप किसका होना चाहिए? समझ में आ रहा है? अगर पीओए में बैठे हैं और अपलाइन मीटिंग में बैठा है, तो मैं क्या करूंगा? एग्जैक्टली, क्लैप फॉर हिम, डोंट क्लैप. क्या बोलता है? वेट. क्यों वेट करने का? बहुत लोग ऐसा करते हैं, अपलाइन मीटिंग में है, मैं पीओए में हूं, तो बस वेट कर रहा हूं, वो फ्री होके बाहर आएंगे. आई कैन रीड अ बुक्स, आई कैन वॉच अ डीवीडी, आई कैन मीट पीपल, डू कॉलिंग्स, प्रिपेयर अ नेम लिस्ट. कर सकते या नहीं कर सकते? अपने टाइम की ओनरशिप ले सकते या नहीं ले सकते? हेलो, बेसिक चीज है ना, छोटी सी. या वो छोटी छोटी चीजों की ओनरशिप लेने लगा. सी, ओनली वन थिंग आई वांट टू शेयर अ सीक्रेट विथ ऑल ऑफ यू, बिकॉज मैं सच में चाहता हूं कि वो जो 10 बार अंकित है ना, वो यहां पे आने वाले हैं, मैं उनसे बात कर रहा हूं अभी, उनको मैं ये सीक्रेट देके जाने वाला हूं कि साला आप सब कुछ करो, सब कुछ करो, सब कुछ करो, बट जब तक ओनरशिप नहीं लोगे ना, तो
तो अपलाइन और डाउनलाइन नहीं बनोगे, ओनर नहीं बनोगे। इसलिए मैं बोल रहा हूं धंधा धंधा हेलो धंधा। सो आई वॉज क्लियर, उस चीज पे मुझे डाउट ही नहीं रहा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देता हूं, थोड़ा समझाना पड़ता है एग्जाम्पल से। यार आप लोग रोज सुबह जो कार्यक्रम करते हो, रोज सुबह कार्यक्रम करते हो, तो उसके बाद धोता कौन है? हाँ हेलो, इसको बोलते हैं ओनरशिप। एक बार सोचो, जरा सोचो, मुकेश अंबानी, उसके घर में 300 नौकर है, और 300,000 एम्प्लॉई है, किसका ओनरशिप है? अब समझ में आया? तो खुद का है। हेलो, कोई है जो कुछ और की सर्विस? नॉट पॉसिबल ना। तो कब तक अपलाइन का बिजनेस? सी मुझे ना एक चीज समझ में नहीं आती, कुछ लोग लटकते रहते हैं अपलाइन पे, लीन होते रहते हैं, डिपेंड। सच बताओ मुझे तो मजा आता है। आपको लेट्स, आपके पास फरारी है, आपके पास क्या है? 6 सिलेंडर वाला गाड़ी, फरारी है, फुल ऑन टॉप गियर पे डाल के आप चला सकते हो उसको, करेक्ट? मतलब एक्सीलेटर दिया, पीछे से रेस फील हुआ, जा रही गाड़ी, और आप बाजू में बैठे हो, क्या करोगे आप? माला करोगे, डर लगेगा। पर अगर आपके हाथ में है स्टेयरिंग, जय महाराष्ट्र, करेक्ट और नॉट? तो बिजनेस मिल गया सबसे बेस्ट। चला कौन रहा है? कौन चला रहा है? कौन चला रहा है? क्योंकि ये धंधा मेरा है। एक ही मेरे को आपको लाइन ड्रिल करके जाना है कि जब तक ओनरशिप नहीं लेंगे ना, इस शिप का ओनर, जब तक मैं नहीं बनूंगा ना शिप का ओनर, तब तक मैं और शिप फिनेंशियल फ्रीडम तक नहीं पहुंचेंगे। अगर मैंने पैजामा पहना है, क्या पहना है? पैजामा पहना है, और मैंने दो नाड़े आते हैं ना, नाड़े रस्सी, या वो मैंने अपलाइन और डाउनलाइन के हाथ में दे दिए, कभी भी कोई निकालेगा, कोई नंगा कर देगा, कोई उठा लेगा मुझे, कभी भी निकाल देगा, होगा या नहीं होगा? पर वो नाड़े की ओनरशिप किसके पास होनी चाहिए? अपलाइन डाउनलाइन या मेरे पास? हेलो, बेसिक बात है, किसके पास होनी चाहिए ओनरशिप? मेरे पास, क्योंकि ये धंधा मेरा है। आर यू विथ मी? पजामा भी तेरा है और वो 5 करोड़ भी तेरा है। छोटी छोटी चीजों की ओनरशिप लेने लगा ना, गेम चेंज होने लगी, गेम चेंज होने लगी। छोटी छोटी चीजों की ओनरशिप, अपने सपनों की ओनरशिप। सबके पास ड्रीम्स है, और सबके पास ड्रीम्स प्लस एक्सक्यूज भी है। आई नो यू। बस वो एक्सक्यूज कब निकलेंगे पता है? ओनरशिप का मतलब बेसिक ये होता है, नो एक्सक्यूज। नो, अब देखो एक चीज, लेट्स से हर रोज पान पार्लर पे 4-5 वो कॉर्पोरेट के जॉब वाले लोग आते हैं नीचे, और बॉस को गाली देते हैं, और नौकरी को कुछ भरा बुला कहते हैं, कहते हैं नहीं कहते, पर कितना भी उसके लिए भरा बुला बोले, क्या करेंगे वापस जाके? रात को 3 बजे बैठ के भी नहीं लैपटॉप पे एक्सेल बनाएंगे, MIS बनाएंगे। उस टास्क की उसके पास ओनरशिप है, कुछ मिलने वाला नहीं है,
क्लाइंट का काम हो रहा है, बॉस कमा रहा है, दोनों में से एक भी वो नहीं है. काम हो रहा है क्लाइंट का, कमा रहा है बॉस, दोनों में से एक भी नहीं है, फिर भी वो ओनरशिप लेता है. आर यू विथ मी? धंधे वाले किसी बंदे को मिलो, वो बोलेगा आजकल ना मंदी ये चल रही है मार्केट में. बोलता है नहीं बोलता? 3 साल से मंदी है, 6 साल से मंदी है. वो छोड़ता है, छोड़ा है बिजनेस. वो पता है क्यों? वो अपने बिजनेस को शोल्डर पे के चलता है. वो धंधा चेंज भी करेगा ना तो दूसरा बिजनेस भी शोल्डर पे लेके चलेगा प्राउडली. क्योंकि वो धंधे का ओनर है, वो धंधे का. आर यू विथ मी? उसको अंदर पता है कि धंधा धंधा. उसको उसमें कोई सिखाता भी नहीं है, इसलिए वो पैसा उसके पास आता है. गेटिंग और नॉट? सो धंधा मेरा है, मुझे समझ में आ गया. छोटी छोटी चीजों की ओनरशिप. एवरी नेक्स्ट ड्रीम जो मैं पूरा करूंगा कौन खुश होगा सबसे ज्यादा? हेलो, आई मी एंड माई सेल्फ. वेन यू डू यू थिंक मिस्टर रतन टाटा या रतन टाटा जी आज भी काम कर रहे हैं, डू थिंक वो पैसों के लिए काम कर रहे होंगे? हेलो, डू थिंक वो पैसों के लिए काम करेगा अभी भी? ही इज वर्किंग ऑन हिज विजन. वो एक ही चीज के लिए काम कर रहे हैं. पता है क्या, वो जब खुद को आईने में देखते हैं ना, बॉस आई एम रतन टाटा, वो जो फीलिंग आती है ना उसको खुद को, अरे हूं रतन टाटा, वो फीलिंग के लिए वो काम कर रहे हैं. आर यू विथ मी? बिकॉज दे लव देमसेल्फ सो मच. आई ऑलवेज बिलीव इन दिस थिंग, दुनिया में वही लोग सक्सेसफुल होते हैं जो खुद को प्यार करते हैं. सच है. जिसमें सहन शक्ति नहीं होती है, जिसमें सहन शक्ति होगी वो क्या करेगा? सहन करेगा. करेक्ट और नॉट? जो खुद को प्यार करते हैं वही आगे बढ़ते हैं. बेस्ट बिजनेस, बेस्ट टीम, अपलाइन, बेस्ट टाइम, सब कुछ मिल गया. सी, ये धंधा इतना मस्त है ना, अब इसमें कोई मंदी जैसा होता ही नहीं है. ये कैसा धंधा बताए? तेजी में चलता है और मंदी में डबल चलता है. हेलो, अभी इतना सा धंधा बन गया अपने को, पर वो धंधे के लिए प्राउडली एज अ ओनर बनके, छोटी छोटी चीज है, अपने खुद के ड्रीम की ओनरशिप. ये जो बता रहे थे जैगवार ली, जब मैंने पहली बार जैगवार ली ना, मैं घर के बाहर पूछे बिना ले आया और रख दी या, और जैगवार रखी, मैं अंदर आया, पापा को बताया, तो मिक्स रिएक्शन आता है. मतलब खुश भी होते हैं और टेंशन भी होता है कि बैंक बैलेंस खाली करनी नहीं हुआ ना उसने, इतनी बड़ी गाड़ी लेने की जरूरत क्या होती है, वो सब होता है या. आई एम टेलिंग यू गाइस, मतलब ही कम्स फ्रॉम दैट बैकग्राउंड. वो पहले 5-6 दिन गाड़ी में बैठते नहीं थे, उनको लगता था ये अपने लिए बनी नहीं ये चीजें. आर यू विथ मी? हेलो, जब मैं पहली बार गाड़ी में उनको बिठाया, पूरी फैमिली को, फर्स्ट टाइम मैंने गाड़ी चालू की 20 मिनट बाद, सारा समझाया, ये ऐसा फीचर होता है, ऐसा होता है, ये फैसिलिटी, ये फैसिलिटी. एंड दे वर लाइक ओ, ऐसे उनके एक्सप्रेशन दिखने जैसे थे. वो एक्सप्रेशन देखने के बाद मुझे वो 3 साल की वो काली रातें मैं भूल गया. खुद के सपनों की ओनरशिप. आर यू विथ मी और नॉट? आप खुद को प्यार करते हो? सच बताओ, सच बताओ, क्या आप खुद को प्यार करते हो? तो खुद को बेस्ट लाइफ देने की ओनरशिप किसकी होनी चाहिए? वो जॉब में पॉसिबल है? वरना दूसरा जोक समझाओ, नहीं है ना पॉसिबल. यहां पे होप दिख रही है, तो कहां घुसना चाहिए पूरे का पूरा? 6.5 फुट का पूरा घुस गया धंधे में मैं, तो यहां पे होप दिख रही थी. आर यू विथ मी और नॉट? हेलो, तो नाड़े का पैजामा और वो साफ खुद की करना पड़ता है, खुद की ओनरशिप है.
अभी समझ में आया नहीं आ रहा है, अभी भी किसी को ओनरशिप समझ में ना आ रही हो तो कल किसी और से लुवाना। छोटी छोटी चीजें, लेट्स से खुद के सपनों की बात। नाउ जब मैंने डाउनलाइन कोई गाड़ी लेता है, जॉब छोड़ता है या एनीथिंग, दे बाय समथिंग, दे गो ऑन अ फैमिली वेकेशन, समथिंग, आई गिफ्ट माई सेल्फ समथिंग, आई डोंट वेट फॉर माई बर्थडे कि भी अगले साल खुश होऊंगा। लोगों को खुश होने का भी रीजन चाहिए, बताओ। स्माइल का भी रीजन चाहिए, जैसे स्माइल पे जीएसटी ना हो। मैं खुद को गिफ्ट करने लगा छोटी छोटी चीजें, बिकॉज वो खुद से प्यार था। अभी खुद के छोटे 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 सपनों का ओनरशिप किसके पास था? अभी मेरे हाथ में आ गया ओनरशिप, क्योंकि मैंने समझ लिया कि धंधा। फिर जो आने लगा ना, वो बाय प्रोडक्ट था, बिकॉज मैं ओनर था। कौन कमाता है? ओनर। आर यू विथ मी ऑर नॉट? अभी मैंने एक बाइक लिया, आई थिंक वहां पे फोटो होगा। एवी, यू हैव अ फोटो ऑफ बाइक? कैन यू प्लीज जस्ट सी दिस बाइक? मुझे बाइक आता भी नहीं है, मैं चलाता भी नहीं हूं। दिस इज द हार्ली लिमिटेड एडिशन, ओनली 10 इन इंडिया। बट दिस बाइक मैंने ऐसे ले लिया बिकॉज मतलब मुझे बाइक आता नहीं है, मुझे चलाना नहीं पसंद है। आई लव कार, आई एम अ कारमैन, पड़ा है घर पे। बट एक बचपन से इच्छा थी, मेरे सारे कजिन्स बाइक चलाते थे और तब मेरे पास ना वो स्कूटी जैसा कुछ था, और बचपन से वो चले, वो पल्सर तो बाइक आते थे ना, सब धूम बना के घूमते थे। तो एक इच्छा थी, घर में कोई एंटर हो तो मेरे पास बाइक होना चाहिए अच्छा वाला। आर यू विथ मी? दैट्स डन। नाउ ऐसे छोटे 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 सपनों की ओनरशिप अगर मैं नहीं लूंगा तो मैं ब्लेम करता रहूंगा। क्या करूंगा? क्या करूंगा? किसको ब्लेम करूंगा? हालात को, अपलाइन को, सिस्टम को, प्रोसेसेस को, डाउनलाइंस को, टीम को, मार्केट को। यही हो रहा है ना? सॉल्यूशन क्या है? खत्म। खुद धोना पड़ेगा अपनी शीट। खत्म। करेक्ट और नॉट? हेलो। एंड आई नो नाउ यू आर ग्रोन अप। अभी आप बड़े हो गए हो ये धंधे में, आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। करेक्ट नॉट? आर यू मैच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? ऑल ऑफ यू, मैं आपके फायदे की बात कर रहा हूं यहां पे। या समझ रहे हो? सी दिस वन वंडरफुल वीडियो। इन दिस वीडियो यू ओनली फाइंड वन थिंग। कुछ कुछ ना ऐसी चीजें होती है जो हम पकड़ के बैठे रहते हैं, जो उसका सॉल्यूशन इजी और आसान होता है, बट अगर ओनरशिप होगी ना वही सॉल्यूशन फाइंड कर पाएगा। So can we see a video? AV? Whoa, that's not good. Oh, I don't need this. I'm already late. Somebody will come. Anybody out there? Do you have a phone? No. Sorry. Somebody! Hello! There are two people stuck on an escalator and we need help. Now, would somebody please do something? Help! Help! I don't believe this. You gotta be kidding me. I'm gonna cry. Well, there's not enough left to do, is it? Hello? Hey, don't worry about it. I'll fix it in a second. He said he could fix it. All right. All right. That's more like it. He says he can fix it. Ooh,
कितनी सिंपल सा सॉल्यूशन था, करेक्ट और नॉट? ऐसा ही होता है सॉल्यूशन, सिंपल ही होता है. जब चल रही थी कोई ब्लेम नहीं कर रहा था, जब अटक गया तो ब्लेम करने लगा. ऐसा होता है ना. सॉल्यूशन किसको निकालना पड़ेगा, किसको निकालना पड़ेगा? क्योंकि ये सॉल्यूशन इजी था. आपने एक चीज देखी, उसके पीछे जो लड़की थी ना वो भी अटक गई उसकी वजह से. आप मूव नहीं होगे ना तो आपके डाउनलाइन भी अटक जाएंगे. लेट मी आस्क यू समथिंग. आप यहां पे रॉक बनने आए हो या रॉक स्टार? यू नो रॉक, वो मुंह ही नहीं होता. व्हाट यू लाइक, रॉक और रॉक स्टार? व्हाट यू लाइक, रॉक और रॉक स्टार? सो डू यू थिंक रॉक स्टार डजंट फाइंड द सॉल्यूशन? डू यू थिंक रॉक स्टार सिर्फ ब्लेम करता रहता है? मुझे कुछ लोग कल पूछ रहे थे कि वो टेरेंस आया था ना, वो क्यूनेट में था या कुछ ऐसा है, कितना अपने रिगार्डिंग ही बोल रहा था सब कुछ. लगा किसी को ऐसा? किसको लगा ये? मतलब कितना अपना कनेक्ट हो रहा है यार उसकी जर्नी. एक बात बोलूं, मैंने उसको क्या बताया? मैंने उसको इतना ही बताया, बॉस कोई भी सक्सेसफुल बंदे की स्टोरी सुन लो सेम ही होती है. चेतन भगत हो, टेरेंस हो, अपनी फील्ड से हो, कोई भी फील्ड से हो, पहले फैमिली के अगेंस्ट आए, कंफर्ट जोन के बाहर आए, फिर डिसीजन लिया, संकल्प लिया, और फिर क्या किया, ओनरशिप लिखे, उस पर काम करने लगे, फिर रिजेक्शन आया, गिरा, फिर बड़ा, फिर एकदम गिरा, और फिर ऐसा बड़ा ना कि रॉकस्टार बन गया. चेक कर लो, सबकी स्टोरी ऐसी ही होगी. चेक करना, सबकी स्टोरी यही होती है गोल घूम के. आर यू विथ मी? बट ये पूरे जर्नी में वो अपने प्रॉब्लम्स का भी ओनरशिप लेता है. सिर्फ ओनरशिप सपनों का नहीं लेना है, समझ रहे हो? सिर्फ ओनरशिप सपनों का नहीं लेना है, ओनरशिप अपने चैलेंजेस का भी लेना है. अगर अपलाइन के पास जाते हैं तो क्वेश्चन लेके जाना चाहिए या सॉल्यूशन लेके जाना चाहिए? मुझे लगता है ऐसा तीन चार चीज लगता है. आपको क्या लगता है, इसमें से क्या करूं? आर यू विथ मी और नॉट? ही वॉज जस्ट वेटिंग के कोई आके मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर दो. वो भी बैठा रहा, डाउनलाइन भी बैठा रहा. देखा आपने, समझ में आ रहा है? कोई आके मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, कोई तो आएगा मेरे लिए. एक बात बोलता हूं, ये कोई हम एक्सपेक्ट इसलिए करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हमको लगता है कि मेरे से नहीं होने वाला है. करेक्ट और नॉट? हेलो, मैंने चालू किया तब 21 का था, अभी 25-26 का हूं. अगर मेरे से हो सकता है, आपसे नहीं हो सकता? हेलो, मैंने बिजनेस चालू किया ना तब मैं बहुत फास्ट बोलता था, अभी मैं थोड़ा फास्ट बोलता हूं. अगर मैं फास्ट बोलता हूं और ये बोलने का बिजनेस है, फिर भी मेरे से हो सकता है, तो आपसे नहीं हो सकता? मैंने बिजनेस चालू किया, मेरे कॉन्टेक्ट कम होते हैं, अनुभव कम होता है, एक्सपीरियंस कम होता है. मेरे मोस्टली सारे फ्रेंड्स सीए में फेल हो गए थे, फेल होने के बाद मोबाइल बंद होता है, फिर भी मैं कर पाया, तो आप नहीं कर पाओगे? हेलो, एक बात पूछता हूं. जब मैं थाईलैंड में एंटर हुआ ना, सो एयरपोर्ट पे मैंने देखा, यू नो थाई पीपल ऑल लवली पीपल, बट सबको ऐसा एक थॉट आता होगा कि यार ये सब सेम लगते हैं. मतलब दे पता नहीं वो कैसे पहचानते होंगे एक दूसरे को, पर मुझे तो सब सेम लगते हैं. उनकी टोन भी सेम होती है, दे डोंट टॉक. मैंने ऑब्जर्व किया, वो गाते हैं, वो ऑलवेज ओके 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 वो लोग गा के बात करते हैं. हम बोलते हैं ओके रूडली, ओके ओके. अभी मेरा क्वेश्चन ये था कि मुझे सब सेम लगते हैं, सब सेम लगते हैं थाईलैंड वाले, सही या नहीं? एक बात बोलूं, उनको हम सब सेम लग रहे हैं.
वो भी यही सोच रही है इसको पहचानते कैसे हो गए यार। पर मजे की बात पता है क्या है, पूछो क्या, 400 लोगों ने पूछा। मजे की बात ये है कि हम सब अलग है, किसी का फिंगरप्रिंट, किसी का फेस, 750 करोड़ में से एक भी बंदा सेम नहीं है, सब अलग है, सब अलग है। बट इसमें से हम सब में सब कुछ अलग है, सिर्फ एक चीज, सिर्फ एक चीज हम सब में सेम है, पता है क्या, वो सब में सेम है। किसी का पैर टूटा हुआ है फिर भी उसमें वो चीज है। अगर हट गई ना, अगर औकात पे आ गए ना, तो हम किस्मत भी बदल सकते हैं। वो पावर सब में सेम है, सब में वो पावर है, सब में वो पावर है, बाकी सब कुछ अलग होगा। मेरी स्टोरी आपकी स्टोरी अलग ही होगी, मेरी उम्र, मेरे कॉन्टेक्स्ट, मेरी जर्नी, मेरा अपलाइन सब अलग होगा, पर एक चीज सेम होगी। क्या अगर दिमाग में हट गई, औकात पे आ गई ना बॉस, तो सब में वो पावर इनबिल्ट है कि अपनी किस्मत चेंज कर सकता है। और दुनिया ने हमको ऐसे लाखों एग्जांपल दिए आज तक कि उसने करके दिखाया है, करेक्ट और नॉट, डोंट यू थिंक सो कि उन्होंने चैलेंजेस की ओनरशिप ले लेगी। हेलो, आपने कल सुना जगदीश लालवानी, पर्सन फ्रॉम IIM, सुना था, शेयरिंग के लिए आए थे। उन्होंने एक चीज बताई कि वो राजकोट मार्केट में वो बुक्स ना इंग्लिश में लोगों को समझ में नहीं आती थी, वो राइज ऑफ एंटरप्रेन्योर का DVD इंग्लिश में था, समझ में नहीं आता था। उन्होंने स्पेशली अपने दम पे उसको कन्वर्ट किया गुजराती में और हिंदी में, पता है क्यों? ही कैन ब्लेम कि मार्केट में वो बुक का कॉपी गुजराती में है ही नहीं, तो क्या कर सकते, ही कैन ब्लेम। उसने कन्वर्ट किया, पता है क्यों, पता है क्यों, क्योंकि धंधा मेरा है, धंधा, धंधा, अगर ओनरशिप है तो बंदा आउट ऑफ द वे भी जाएगा, प्रोसेस पे डिपेंड नहीं रहेगा, क्योंकि धंधा ही मेरा है। आर यू विथ मी और नॉट? लास्ट टाइम देयर वाज अ पर्सन इन माय टीम, आई थिंक समवेयर सिटिंग हियर, अशोक करके बंदा था, उसको इमिग्रेशन में से वापस भेज दिया। लास्ट टाइम फ्रीडम हुआ था जनवरी में, वो बंदा का पहला वीक ऑन था, पहला महीना था, और पहले महीने में पहली इवेंट थी। पता नहीं, सी एवरी कंट्री हैज देयर ओन कस्टम डिपार्टमेंट रेगुलेशंस एंड लॉस, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द लॉस ऑफ कस्टम डिपार्टमेंट, उसको पता नहीं कोई रीजन से इमिग्रेशन में रखा और वापस भेज दिया। और वो 2-3 दिन था, या नॉर्मल खाना मिला होगा, कस्टडी में रखा होगा, इंक्वायरी की होगी। कोई भी बंदा नॉर्मल क्या करेगा पता है, स्विच ऑफ हो जाएगा। धंधे में पहला महीना, पहली इवेंट, पहली बार बाहर घूमने आए, फर्स्ट टाइम पासपोर्ट बनाया, और पहले ही महीने में 3 दिन आपको लॉकर में, नो एक्सक्यूज, नो रीजन, कुछ नहीं, बिकॉज आप आई डोंट नो बेसिक हो, आपको समझ नहीं रहे, पता नहीं क्या उनको लगा। उस बंदे की हट गई, उसने जाके पहले महीने में ही 6 DR कर दिए वापस जाके, और इस इवेंट में वो 25 लोग को लेके आया है, और वो प्राउडली बोल रहा है, वो प्राउडली बोल रहा है कि ये मेरा पहला है, कौन है, पहला फ्रीडम है। आर यू विथ मी? क्योंकि वो ब्लेम कर सकता था, वो जगदीश भाई ब्लेम कर सकते थे, करेक्ट और नॉट? हेलो, तो हमको अगले 4 साल में ब्लेम करने के लिए बहुत सारी चीजें आने वाली और मिलेगी, तथास्तु। आपको अगले 4 साल में ब्लेम करने के लिए बहुत सारी चीजें मिलेगी, पर जो ओनर होगा ना वो ब्लेम नहीं करेगा, वो धंधा करेगा। आर यू गेटिंग? जो ओनर होगा वो किसी को ब्लेम नहीं करेगा, वो सीना ताड़ के सॉल्यूशन निकाल के ड्रीम पे काम करेगा, क्योंकि वो ओनर है। आपको ब्लेम करने के लिए बहुत कुछ आएगा 4 साल में, तब याद रखना अंकित ने क्या बोला था, या तो ब्लेम करो या तो उसकी ओनरशिप लो चीज की।
Are you with me or not? Hello? For example, मैंने बहुत बार देखा ये चीज. Let's say कोई इवेंट खत्म होती है ना, तो डाउनलाइन एक्साइटेड होता है और अपलाइन को मिलने आता है और बोलता है, अपलाइन अभी ना मैं रेडी हूं, आप जो बोलो वो करेंगे, बस आप मुझे पुश करो. होता है नहीं होता है? पापी हो, हां बोलो, आप ही करते हो, करेक्ट और नॉट? होता है नहीं होता है? और सब बार क्या बोलते हैं कि बॉस अब मैं रेडी हूं, मुझे पुश करो, अब मुझे, बोलते हैं नहीं बोलते? एक बात बोलूं, जो ओनर होगा ना वो ऐसा कभी नहीं बोलेगा, क्योंकि उसका अपना विजन ही पुल कर रहा होगा. डू यू थिंक आपके घर में जो न्यूज़पेपर फेंकने आता है उसको कोई पुल कर रहा है, सॉरी कोई पुश कर रहा है, तू जा आज आर न्यूज़पेपर फेंक दिया? डू यू थिंक कोई अक्षय कुमार को पुश कर रहा है, तू एक और मूवी साइन कर? डू यू थिंक? तो क्यों आपको अपलाइन पुश करेंगे? लास्ट नाइट वीपी देव सेड क्लियरली, अपलाइन इज जस्ट अ स्ट्रीट साइन, इट्स जस्ट अ स्ट्रीट साइन, इट्स जस्ट अ डिरेक्शन विच इज द मच मच रिक्वायर्ड. पर उस पर चलना किसको है? किसको चलना है? क्यों चलोगे उस पर? क्यों चलोगे उस पर? क्योंकि धंधा मेरा है तो मैं चलूंगा. आई नीड अ स्ट्रीट साइंस, उसके बिना मैं गुमराह हो जाऊंगा. चित्ते को दौड़ना है पर चित्ता अंदर देख नहीं सकता, उसके लिए जिराफ चाहिए, वो डिरेक्शन चाहिए. बट मैं जिराफ के कंधों पे चढ़ के नाच के बोलूं आप चलो तो मैं आपके साथ चलूंगा, सोचना भी कैसा वियर्ड लग रहा है. ऐसा करते हैं कुछ लोग. आई डोंट वॉन्ट यू गो आफ्टर दिस इवेंट एंड टेल योर अपलाइन मुझे पुश करो, प्लीज मत बोलना ये. अगर आप ओनर हो ये मत बोलना, आप उनको बोलो मैं ये करने वाला हूं, जस्ट चेक करो, आप जो बताओ सब करूंगा. ऐसा नहीं, आप बोलो मैं ये करने वाला हूं, आप चेक करो. कर सकते ऐसा? कैन यू चेंज दैट थिंग? सो आप लोग का जिंदा है, आपको पैसे मिलेंगे, आपका घर ऊपर आएगा, आप गाड़ी में घूमोगे, आप खुद को प्यार करते हो. सो ओनरशिप किसका होना चाहिए यार? कितनी सिंपल बात है. ये पानीपुरी वाला बंदा भी होता है ना, उसकी भी ओनरशिप खुद के धंधे की होती है. उसके पास भी मैं जाऊं ना और मैं इधर खड़ा हूं ना, मुझे मना करेगा, साहब यहां से मिलेगा, इधर आके खड़े रहो. वो पानी पूरी देने वाला भी पोस्टर से बात करता है क्योंकि उसका खुद का धंधा है. आर यू विथ मी? बाकी आपने सब सीख लिया 3 दिन में और सीखोगे, बट आपको ये समझ में आना चाहिए कि आप जो भी सीख रहे हो अगर जाके वापस फिर से वही करना है कि अपलाइन अपलाइन. Are you with me? See, upline होना blessings है. क्या है? But उसका मतलब ऐसा नहीं कि upline ना हो initially तो अब आगे ही नहीं बढ़ सकते. हमारे पास ऐसे कितने example है कि starting में upline नहीं था पर उसने system, roadmap, success plan और अपने decision से काम करता गया, उसको best upline मिला. Correct or not? करेक्ट और नॉट? ऐसे कितने एग्जाम्पल अपने पास है कि उसको बेस्ट अपलाइन मिला बिकॉज वो करता गया. करेक्ट और नॉट? पर कौन चल रहा था? वो खुद चल रहा था. आर यू गेटिंग और नॉट? सो देयर इज वन वंडरफुल वीडियो आई वांट टू शो. सी, बंदा जिसने ओनरशिप ली हो ना वो क्या करता है, जिसने ठान ली है मेरा ही अभी ये मेरा ही है, वो अपनी चीज के लिए क्या करता है. एंड वेन एवर यू सी दिस वीडियो ना, अभी आप देखो ना, सिर्फ उसकी इंटेंसिटी देखना कि उस तरीके से आप अपने ड्रीम्स को चेज कर रहे हो या नहीं. कैन यू सी लाइक दैट ऑल ऑफ यू? एवी प्लीज. Choo choo, mommy, your turn. Choo choo.
Here we are. Let's play games. Marco. Polo. Marco. Polo. Marco. Marco. Frankie. A little boy with short curly hair. What was he wearing? I can't find him. If you wait with me here, ma'am, we'll file a report right now. That's what all these people did. They waited. Let me tell you something. As long as my son is in that car, I will not stop. Wherever you go, I will be right behind you. You took the wrong kid. वो बताया नहीं उसने उसने दहाड़ा यू टुक द क्योंकि वो उसका बेटा था उसने सब कुछ किया क्या किया सब कुछ नहीं सब कुछ किया क्या किया क्या किया सब कुछ किया उसने रूल्स ब्रेक किए पुलिस वाले से झगड़ी ऑफिस में कंप्लेन लिखाई गाड़ी चोरी की मारना भी पड़ा था मारा किसी को वो उसने आज तक नहीं किया था उसने सब कुछ किया क्योंकि उसकी वो ओनरशिप थी बच्चे की करेक्ट और नॉट तो आपके सपनों के लिए प्लेटफॉर्म रेडी है रेड कारपेट रेडी है रोड मैप रेडी है धंधा एकदम सिंपल है थ्री लेफ्ट थ्री राइट धंधा एकदम सिंपल है ओनरशिप लेनी पड़ेगी लास्ट नाइट वीपी देव सेड सबको मैक्स आउट होना है पर अगले चेक की ओनरशिप कौन लेगा क्योंकि वो भी ओनरशिप है इंपॉर्टेंट अगले चेक की ओनरशिप करेक्ट और नॉट देखो सब कुछ कहां से पूरा होगा ड्रीम्स ये सब वो टीम अगले चेक से अच्छा ये चेक की बात आती है ना तो कुछ तो को चेक की मेरे से बात मत करो मतलब बाकी सब बात करो चेक की बात मत करो सी लेट मी टेल यू वन थिंग नाउ ये मेरी लाइन है मतलब मैं इस पे कॉपीराइट लेने वाला हूं ये मैं ऐसा सोचता हूं मुझे इसमें मानता हूं इस चीज पे पैसा कमाना सबसे इजी है पैसा कमाना सबसे इजी है बस ये लाइन समझनी टफ है जो ये लाइन समझ गया वो ऐसे कमाता है मैंने कहीं ऐसा प्लान नहीं देखा थ्री लेफ्ट थ्री राइट चेक यू डू समवन डू यू अर्न मनी दैट्स द सेक्सीएस्ट प्लान ऑन द अर्थ हेलो करेक्ट और नॉट पर उसकी अगले चेक की ओनरशिप तो मेरी होनी चाहिए ना टीसी मेरे नाम पे है ये दिख रहा है टीसी लेफ्ट एंड राइट टीसी मेरे नाम पे है तो होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए वो टीसी पे लिखा हुआ है फ्रीडम उसको फ्रीडम मिलेगा वहां पे ब्रेकिंग बाउंड्रीज लिखा है वहां ऐसा नहीं लिखा नौकरी ब्रेकिंग बैंक बैलेंस समझ में आ रहा है क्लियरली लिखा है ब्रेकिंग बाउंड्रीज तो उस अगले चेक की ओनरशिप किसकी होनी चाहिए क्यों होनी चाहिए मुझे सुनाई नहीं देता थोड़ा प्रॉब्लम है क्या बोल रहे हो भाई अरे बाबा जोर से यार आप दहाड़ नहीं सकते दहाड़ना किसको बोलते हैं बताए दहाड़ना
धंधा। अगर चैलेंज आएगा तो कौन सॉल्व करेगा? अगर चेक कमाना है तो कौन काम करेगा? अगर अपलाइन है और उसको फॉलो करके आगे उसके रास्ते पे चलना है तो चलेगा कौन? आपको पुश करना पड़ेगा या आपका रीजन आपको पुश करेगा? अगर मैं कर सकता हूं तो आप क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? मैं सुन नहीं पा रहा हूं भाई। हेलो, कैन यू कम ऑन दिस स्टेज? आप पहला दिन आपका धंधे में है, कल से बिजनेस चालू किया, 2 साल हुआ, आई डोंट नो, कैन यू कम ऑन द स्टेज? मैं आपको मोटिवेट करने नहीं आया हूं, मैं आपको जगाने आया हूं। कैन यू कम ऑन द स्टेज? मेरी ये बात सुन के आप नहीं आने वाले हो। अगर आपकी हट गई ना, आपकी औकात पे आ गई कि मुझे आना है, देन यू विल कम ऑन द स्टेज। डू यू वॉन्ट टू कम ऑन द स्टेज? ऑल ऑफ यू आर आस्किंग, किसका धंधा है? ये मेरा धंधा है। किसका है? ये मेरा धंधा है। कैन यू से लाइक दैट? आप अगर 12 बजे घर पे पहुंचते हैं रात को नौकरी से, तो मम्मी आपको खाना खिलाती है, मेरा बेटा थक गया होगा, नौकरी से आया है, करेक्ट और नॉट? आप मूवी से पहुंचते हो 12 बजे, मूवी से पहुंचते हो 12 बजे, आपको खाना खिलाते हैं क्योंकि वो मूवी से आया है। आप धंधे से पहुंचते हो 12 बजे तो क्या बोलते हैं? ऐसा कौन सा बिजनेस है 12 बजे चलता है? क्यों ऐसा बोलते हैं पता है? क्योंकि आपने अभी तक उसको बताया नहीं कि मेरा धंधा है। अपने घर वालों को नहीं बता सकते यार, अपने घर वालों को नहीं बता सकते। अगर इसमें से जिसको भी समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, अभी यहां से बाहर जाओ, कॉल करो पेरेंट्स को, मुझे 2 साल चाहिए, वाइफ को, हस्बैंड को बोलो, मैं यहां से जाऊंगा, आप यहां से जाओगे दिवाली आने वाली 5 दिन में। आई एम टेलिंग यू, 5 दिन में दिवाली आने वाली है। यू कैन फिजल आउट विद दिस एक्साइटमेंट कि अच्छा सब समझ में आया, मजा आया, अभी फेस्टिवल है, आराम करो, स्पाउस को टाइम दो। कैन यू टेल देम ऑन द फेस, मुझे 2 साल दिवाली भूलनी है, बर्थडे भूलना है, कैन यू डू दैट? आज दिवाली है और स्वीट की दुकान है आपकी, किसकी दुकान है? आप दिवाली मनाओगे या धंधा संभालोगे? क्योंकि आपकी सीजन है वो, करेक्ट और नॉट? इतना समझ में नहीं आता? ये आपका धंधा है, आपकी सीजन चल रही है 2 साल की। हेलो, आर यू विथ मी? मैं किसके अच्छे के लिए बोल रहा हूं? आज से हम ओनर बन सकते हैं? हमको पुश चाहिए या खुद को पुल करेंगे? वो देख रहा है, सब कुछ देख रहा है। अगर आप दौड़ रहे हो, काम कर रहे हो ना, तो यहां से नहीं तो वहां से देगा। आर यू विथ मी? अगर मैं कर सकता हूं तो तुम भी कर सकते हो, सिर्फ डिफरेंस इतना है कि मेरे धंधे का मैं मालिक हूं, ये धंधा मेरा है। आर यू विथ मी? आई लव यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच, बट आई वॉन्ट टू सी यू ऑन द स्टेज। कैन लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। हाहाकार के बदले शेर की एक दहाड़ है प्यारे, दंगल 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 दंगल, कर दिखाने का मौका जब किस्मत देती है, किन के तैयारी के दिन तुझको मोहलत देती है, मांगती है लागत में तुझसे हर बूंद पसीना, पर मुनाफा बदले में ये जान ले बेहद देती है, रे बंदे की मेहनत को किस्मत का सादर परिणाम है प्यारे, दंगल 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 दंगल, सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे, दंगल 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 दंगल, हाहाकार के बदले शेर की एक दहाड़ है प्यारे, दंगल 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 दंगल।